जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा 1 मार्च है और SSC GD सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट गया है, तो अपने भाई पेपर देकर आए, इनसे जानते कैसा रहा। भाई पेपर कैसा रहा, सबसे पहले ये बताओ। ये पेपर तो बहुत अच्छा था, इजी था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में। इतिहास से आज कितने प्रश्न देखने को मिले ये वाली शिफ्ट में? इतिहास से भैया 2 से 3 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक तो विक्रमादित्य के ऊपर पूछा गया था। और संविधान से? संविधान से 2 क्वेश्चन। कहाँ से पूछ रहे हैं ये? संविधान के बौद्धिक नेतृत्व से लेकर पूछा गया था, और एक अपना मौलिक अधिकार से रिलेटेड। अच्छा, और आज नृत्य से कितने प्रश्न देखने को मिले? नृत्य से 2 से 3 क्वेश्चन। कहाँ से मिले हैं ये? अपना एक तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हुआ, फिर एक विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम के रिलेटेड वो बिल्कुल वो सेम रहा। एक विश्व इकोनॉमिक्स में कुछ था क्या? इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं था। मेला उत्सव वगैरह कुछ भी नहीं? भूगोल से कुछ देखा? भूगोल से नहीं, कुछ भी नहीं। करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में विश्व का पूछा गया था, विश्व से रिलेटिव। क्रिकेट से आज कुछ था? क्रिकेट से 1 क्वेश्चन था। मैं तो शायद एक था। मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ्स मतलब अपना अनुपात हुआ, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति हुई अपना। कितने त्रिकोणमिति से कितने सवाल थे? त्रिकोणमिति से 1 सवाल था। नंबर सिस्टम से कितना आया? नंबर सिस्टम से ओनली 2 क्वेश्चन। बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन। और परसेंटेज? परसेंटेज से 2। लाभ हानि से 1 आया था। में क्या क्या था? इसके बाद रीजनिंग भी बढ़िया थी। रीजनिंग में मतलब कि अपना ब्रेड रिलेशनशिप से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग रिकॉर्डिंग से कम से कम 7 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग का सबसे ज़्यादा 7 आया। सेटिंग अरेंजमेंट? सेटिंग अरेंजमेंट 3 से 4। घड़ी कैलेंडर तो नहीं आ रहा? कैलेंडर कुछ भी नहीं, कैलेंडर वगैरह। प्रायिकता 1 पूछा गया था, 1 क्वेश्चन आया था। अगली आकृति कौन सी होगी, इनसे कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। कागज से कुछ? कागज कथन निष्कर्ष था। कागज काटना था 1 क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे। अपना पासे से 1 क्वेश्चन था। हिंदी में क्या क्या था? हिंदी नॉर्मल थी। हिंदी तो मतलब कि नॉर्मल सी थी अपनी। क्या पेशी ब्लॉम शब्द कितने होंगे? ब्लॉम शब्द एक था, पर्यायवाची था ही नहीं। कितने रहे भाई? मेरे 69। आपके? मेरे 70 थे भैया। 70। सबसे पहले जीके में बताओ क्या क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन गोस्वामी का आया था एक। हाँ। और एक विक्रमांक समुद्रगुप्त से आया था। हाँ। और नृत्य से आया था एक। हाँ, नृत्य में क्या आया था? नृत्य में भैया मतलब किसी का नाम दिया था, उसको बताना था कि कौन से इसका है नृत्य, मतलब। हाँ। वो आया था नृत्य का एक। संविधान से कोई प्रिंट देखा क्या? संविधान से? संविधान से था 1 क्वेश्चन। एक था? हाँ, 1 क्वेश्चन था संविधान से। के बारे में आया था, प्रेसिडेंट के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं ना जिसको। करंट अफेयर में क्या पूछ रहे हैं? वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम के नरेंद्र मोदी ने अभी कितने किए हैं? आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कोई प्रश्न था, क्या था? उससे आया था कि कितने अभी वंदे मातरम ने कितने किए हैं अभी, मतलब उन्हें फ्लैग ऑफ। वंदे मातरम ट्रेन से? हाँ, कितनी लागू हुई है, मतलब कितनी चालू करी? अच्छा, वंदे मातरम कितनी ट्रेन चल रही वो था। और खेल से क्या पूछ रहे हैं? खेल क्रिकेट से पूछा था भैया 1 क्वेश्चन। क्रिकेट स्विमिंग से, टर्मिनोलॉजी से आया था। आगा कहाँ कब से भी कुछ था क्या? आगा खान से भी था। ओके, मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे भाई? मैथ में था प्रॉफिट एंड लॉस, CISI। हाँ। और यही था। और लाभ हानि से कितने थे? 2। दो? हाँ। और बोर्ड मास रूल से? बोर्ड मास से उससे 2 देखे थे। और टाइम एंड वर्क से देखे थे 2। कोडिंग डिकोडिंग में रीजनिंग ज़्यादा थी, ईजी, मतलब 2। कोडिंग से कितने प्रश्न थे ये बताओ? 2। हाँ। मैनेजमेंट सेटिंग से भी 2। ब्लड रिलेशन से कितने थे? 1 था भैया। 1 था। हाँ। कथन निष्कर्ष? 1 था। 1 प्रायिकता से कुछ आया था क्या? हाँ, 1 आया था भैया। 1 आया था। हिंदी में क्या क्या पूछ रहे हैं? हिंदी में वही पर्यायवाची, विलोम शब्द। हाँ। ऐसे ही नॉर्मल था, मतलब। अध्यांश क्या सर आज का? भैया सरल था एकदम। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कुछ आया? कुछ भी नहीं। संधि समास अलंकार? नहीं नहीं। अच्छा, ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा का होगा? एकदम भैया इजी था। इजी था, एक नंबर। भाई लेवल कैसा था पेपर का, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले लेवल बढ़िया था। जी के बता रहे हैं थोड़ी धीरे हार्ड होती जा रही है। जी के हार्ड थी लेकिन बढ़िया थी। इतिहास से कितने प्रश्न देखने को मिले? इतिहास से बहुत ही कम प्रश्न थे, लगभग। एक बता रहे विक्रमादित्य ऐसा कुछ प्रश्न था क्या? हाँ था, गुप्त वंश के जो शासक बने थे ना, ऐसा प्रश्न था उसमें। और आज नृत्य से कितने प्रश्न देखने को मिले? नृत्य से हाँ। नृत्य से लगभग 3-4 प्रश्न थे। हाँ, कहाँ से थे ये? ये एक तो ये था जम्मू कश्मीर से। हाँ। और एक भरतनाट्यम बता रहे थे, कोई याद है क्या? हाँ, भरतनाट्यम आया था। भरतनाट्यम और वो कथकली वाला। हाँ, कथकली ये भी आया था। जनगणना से कुछ आ रहा है क्या? जनगणना से आया था 2011 में, मतलब जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में सबसे कम अच्छा किया है। जी, और संविधान से क्या पूछ रहे हैं? संविधान का याद नहीं है मुझे इतना, लेकिन। और करंट अफेयर में कुछ पूछ रहे हैं क्या? करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ नहीं आया। भाई बता रहे आगा खां कब का ऐसा कुछ आया था? आगा खां कब आया था? आया था जी। मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ में वही थे। हाँ। वो परसेंटेज वाले। लाभ हानि से कितने थे?
लाभ आनी से 3-4%। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी 2-3%। कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है क्या रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग के एक दो ही क्वेश्चन थे, भाई तो बता रहा है बहुत ज़्यादा प्रश्न बता रहा है, 4-5 बता रहे हैं। नहीं नहीं, 2-3 ही प्रश्न। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक था वैसे? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वो श्रृंखला वाला टॉपिक था। नंबर सीरीज से हाँ। हिंदी कैसी थी ये बताइए? हिंदी बढ़िया थी। चलो उसका अटैम्प्ट कितने रहा ये बताओ? अटैम्प्ट तो मैं 68 करके आया। 68 करके। सबसे पहले जीके का लेवल कैसा था ये बताइए? जीके के लेवल थोड़ा थोड़ा वैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, मॉडरेट हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो बात सही है। इतिहास से कितने प्रश्न देखने को मिले? इतिहास 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-3 थे। कहाँ से पूछ रहे हैं? एक तो वो भरतनाट्यम और करंट भी थे, क्लियर तो अभी नहीं पता क्या क्या था। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या पूछ रहे हैं? स्पोर्ट में आगा खा कब था एक सीरीज था, और संविधान से कुछ था आर्टिकल वगैरह? संविधान थे। मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ में मैं ज्यादा अटेंड नहीं किए, मैं मुझे ध्यान नहीं उसमें। रीजनिंग में? रीजनिंग तो थी। किस टॉपिक से ज्यादा थे? कौन सा टॉपिक ज्यादा था रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग यही था, कोडिंग डिकोडिंग था। अच्छा, हिंदी कैसी थी? हिंदी वो बुकलबरी थी, मतलब सामान्य थी, मौखिक थी। मौखिक थी।